राइट, वह लेडी यह सोचती है कि क्या यह जो साउंड सुना उन्होंने, श्वेत सारस की आवाज, श्वेत सारस की आवाज क्रेन की ही आवाज है या जंगली उल्लू की चीख है, क्योंकि वो डरने लग जाती है कि लेट हो रहा है। देयर आर नो टेंडर मून बीम, जो मून की प्रकाश लाइट होती है उसके बारे में कह रही है। देयर आर नो टेंडर मून बीम लाइट मी इफ इन द डार्कनेस अ सेरपेंट शुड बाइट मी, और इफ एन एविल अ स्प्रिट शुड स्माइट मी, राम रे राम आई शैल डाई। आगे बताती हैं, इस कविता में बोला जाता है कि चांद की ऐसी किरणें नहीं है, क्योंकि वो ब्राइट लाइट नहीं है, जो मेरे रास्ते को उज्जवल करके प्रकाशित कर सकें और जो रास्ता है उसको दिखा सके। मुझे डर है कि अंधेरे मुझे कोई सांप ना डस ले। यहाँ सेरपेंट मीन्स सांप बताया जा रहा है। कह रही मुझे डर लग रहा है क्योंकि अंधेरा रात हो गया है और अब मुझे जाना भी है, कहीं रात में मुझे कोई सांप ना काट ले, सर्प ना काट ले। और इफ एन इविल स्प्रिट शुड स्माइट मी, राम रे राम आई शैल डाई। मरने का डर रहता है, बोलती है कि और कहीं कोई दूर आत्मा, जो जादू टोना की बात मन में आ रही है डर से, कोई ऐसा काला जादू न करके उसे ठीक है मारने की कोशिश करे, काला जादू ना कर जिससे वो मर जाए। आगे खुद डरती हुई खुद ही सोचती है वो, माई ब्रदर विल मुरमुर वाई डोथ सी लिंगर। लिंगर मिस होता है, अब किसी काम के लिए जाते हैं और उस काम में काफी समय लगा देते हैं। माई मदर विल बी वेट एंड श्वीप सेइंग ओ सेप मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर द जमुनाज वाटर आर डीप, द जमुनाज वाटर रस बाई सो क्विकली। यहाँ आगे कवि लिखते हैं इसमें कि वो लेडी क्या सोचती है कि मन में डर तो होता ही है, डरती रहती है, काफी रात हो गई है। तो आगे कहती है कि मेरा जो भाई है, मेरा जो ब्रदर है, मुरमुर मीन्स होता है कुछ सोचना, बुदबुदाना। मेरा भाई कुछ सोच रहा हो, कुछ बुदबुदा रहा होगा, ठीक है, कि मैं लेट क्यों हो रही हूँ, कि इतना लेट मैं क्यों हो गई। और मेरी माँ, जो कि हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती है, मेरी माँ बिल्कुल रो रही होगी, रो रो के भीग गई होगी। वेट में भीगना होता है, नहीं, वेट में इंतजार करना होता है, वो इंतजार कर करके और काफी परेशान हो गई होगी, रो रही होगी कि अब तक मैं क्यों लेट नहीं आई। और वह ईश्वर से मेरी मेरी रक्षा करने की गुजारिश कर रही होगी, मेरी कुशल की कामना कर रही होगी, घर वापसी की प्रार्थना यह सोचते हुए कर रही होगी कि यमुना, जो यमुना के पानी है, जहां से पानी लेने गई है, वो काफी गहरी है और उसमें तीव्र धारा से बहती है। वो बहुत खतरनाक है, उसके प्रवाह और अंधेरे में वहां रहना बहुत ही खतरनाक है। द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली लाइक ब्लैक्स बर्ड्स इन द स्काई। ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक व्हाट विल बेटाइड मी, सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, अनलेस दो सक्कर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, राम रे राम आई सैल डाई। आगे क्या क्या सोचती है कवि, क्या लिखते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि शाम का अंधेरा जो है, सायंकाल का अंधेरा, आकाश में काले पक्षियों का जमघट की तरह बढ़ रहा है। अंधेरा को पक्षी से कंपेयर करते हैं कि शाम का जो अंधेरा है वो काले पक्षियों की तरह, जमघट की तरह फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। मुझे डर है कि कहीं तूफान ना आ जाए, तूफान की स्थिति में मेरा क्या होगा, तूफान आ गया तो मेरा क्या होगा, मैं तूफान से खुद को कैसे बचा सकूंगी, कैसे छुपा सकूंगी। हाइट में सोता है छुपाना, अपने आप को कैसे छुपा सकूंगी। और वह इसलिए ऐसी कहती है, ऐसी स्थिति में केवल भगवान राइट ही
ही सिर्फ हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे उत्साहित कर सकते हैं एवं सुरक्षा पूर्वक मुझे घर तक का रास्ता दिखा सकते हैं, नहीं तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। सो ये एक पनघट एक बेचारी लेडी की कहानी है जो पानी भरने जाती है और पानी भर के जैसे ही निकलती है फुल पानी लेकर अपने घड़े में वो नाविक का सॉन्ग सुनने लग जाती है। बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं नाविक लोग और उसके बीच में लेट हो जाती है और उसी के संदर्भ में यहाँ पे जो कविता लिखा गया है विलेज सॉन्ग जो सरोनी नायडू ने लिखा है बहुत ही अच्छा एक कविता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड यू मस्ट हैव गॉट इट। आप समझ चुके होंगे इसको। सो थैंक्स बाय।